दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जियो सावन एप्लीकेशन का रिचार्ज कैसे कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप भी जियो सावन एप्लीकेशन का रिचार्ज करना चाहते हैं तो गैस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, जियो सावन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप जियो सावन एप्लीकेशन ओपन करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जियो सावन एप्लीकेशन का रिचार्ज करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको नीचे के साइड में प्रो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑल में हमें सभी प्लान जो भी रहेंगे वो सभी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं ये वाला फैमिली वाला प्लान सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने फैमिली प्लान ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको वन मंथ के लिए फ्री ट्रायल भी मिलता है। अगर दोस्तों आप वन मंथ के लिए फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप फ्री में ट्रायल भी ले सकते हैं। इसके बाद नीचे के साइड में यहाँ पर आपको एक महीना, तीन महीना, छः महीने और 12 महीने के लिए अलग अलग रिचार्ज देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको कौन सा रिचार्ज यहाँ से करना है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे के साइड में यहाँ पर आपको कूपन कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके दोस्तों अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो दोस्तों यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नीचे के साइड में यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको UPI के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नीचे के साइड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो गाइज आप अपने हिसाब से कोई भी पेमेंट ऑप्शन यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आपको पेमेंट कर देना है। जैसे दोस्तों आप पेमेंट को पे कर दोगे दोस्तों आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और दोस्तों आपने जो भी प्लान सिलेक्ट किया वो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप जियो सावन एप्लीकेशन का रिचार्ज कर सकते हो।